अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद तारिक मसूद आप तमाम का अपने यूट्यूब चैनल उर्दू कंप्यूटर पे इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा इनपेज का सबक चल रहा है और इनपेज की वीडियोस इस सबक की सिलसिलावार यूट्यूब पे अपलोड कर दी जा रही हैं। तो आज हम फॉर्मेट मीनू में बहुत अहम अहम ऑप्शन देखने वाले हैं। फॉर्मेट मेनू में आज हम बॉर्डर्स और टैब देखेंगे इनशाला। ये दोनों बहुत ही अहम कमांड है। बॉर्डर के मुकाबले में टैब तो बहुत ही अहम ऑप्शन है। ठीक है, तो पहले हम बॉर्डर देख लेते हैं। बॉर्डर बहुत कुछ मुश्किल ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हम पहले बॉर्डर ही देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आके ज़रा हम कर देते हैं स्पेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एंटर, और अब हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आएंगे फॉर्मेट मीनू में और यहाँ पर आएंगे बॉर्डर में। अब अगर हमें इसके ऊपर चाहिए कुछ लाइन, तो यहाँ एवब वाले में हम तब्दीली करेंगे, और अगर नीचे चाहिए होगी तो हम यहाँ पे बिलो में तब्दीली करेंगे। एवब के मतलब होता है ऊपर और बिलो का मतलब होता है नीचे। तो सबसे पहले हम यहाँ से नन के बजाय, यहाँ पे देखिए जब आप इस ऑप्शन को खोलिएगा यानी इस बॉक्स को, तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, इंडेंट्स और टेक्स्ट। अगर आपको पूरे सफ़े में लाइन चाहिए यानी इसके नीचे जहाँ जिसे आपने सेलेक्ट किया है, तो आप इंडेंट सेलेक्ट करेंगे, और अगर सिर्फ इस टेक्स्ट के नीचे चाहिए होगी लाइन तो टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि एवब वाले में हम काम कर रहे हैं तो यहाँ ऊपर में हमारी लाइन लगेगी, और यहाँ से एक स्टाइल, यहाँ से हम लाइन की मुतय्यन कर लेते हैं, मसलन डबल लाइन इसे, और इसकी साइज दे देंगे 2 पॉइंट, है ना, और यहाँ से करते हैं ओके, और फिर यहाँ से करेंगे ओके। देखिए यहाँ पे ऊपर में लाइन लग चुकी है यानी बॉर्डर आ चुका है। ठीक है, तो अब हम चूंकि हमें ऊपर में ज़रूरत है नहीं, ऊपर में वही ज़रूरत पड़ती है जहां आप कोई चीज़ जिसके बारे में कोई सवाल वगैरह बनाना चाहते हो, है ना। जैसे अरबी में आपने अगर कहीं इम्तहान वगैरह दिया होगा मदरसे में, तो इस तरह आपने देखा होगा कि ख़त कशीदा अल्फाज की तहकीक करें, लुगवी सरफी तहकीक करें, इस तरह, तो आप उसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हमें ये फ़िलहाल चाहिए नहीं, तो हम यहाँ से नन कर देंगे इसे, और बिलो में आ करके यहाँ से टेक्स्ट और यहाँ से स्टाइल में हम यही दो लकीर ले लेते हैं, और यहाँ से 2 पॉइंट, और यहाँ से कर देंगे ओके, और फिर यहाँ से ओके। अब ये देखिए नीचे हमारा लग चुका है, अभी ये जरा खराब हो रहा है ना, तो इसकी भी एक जुगाड़ है वो हम करते हैं। मसलन यहाँ पे आते हैं बीच में, ठीक है, और एक नई फाइल खोल लेते हैं। मसलन हम खोल लेते हैं ये फाइल, ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट टैब से उसी फाइल में आते हैं। अब देखिए ये बिल्कुल ठीक हो चुका है, ठीक है, तो ये ठीक ही होता है, प्रिंट में आपका वो खराब नहीं होगा, कभी अगर ऐसा हो तो घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए, तो हमने देख लिया बॉर्डर, अब हम जो देखने वाले हैं वो बहुत ही अहम चीज़ यानी टैब कमांड, और हम उसी के जरिए आज ये फहरिस्त तैयार करने वाले हैं। ठीक है, इस तरह की फहरिस्त आज हम तैयार करने वाले हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं उसको भी। यहाँ से आते हैं और एक नई फाइल इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हमने वो फाइल खोली हुई है, चलिए इसी में काम करते हैं। इसको हम पहले कर लेते हैं डिलीट, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हम बनाएंगे, है ना, तो एक एक करके करते हैं। यहाँ से हम पहले इसे कर लेते हैं डिलीट, डिलीट बटन से, ठीक है, और यहाँ से एंटर कर देते हैं, और यहाँ से ले आते हैं कर्सर ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर, और यहाँ पे हम 17 कर देंगे साइज, और एंटर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं सुनने एक दफ़ा एंटर कर लेते हैं, और आपने किताबों में देखा होगा इस तरह लिखा होता है, इस वजह से मैं भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जुमला हुकूक महफूज है। इसका मतलब ये हुआ कि आप नाशिर या मुसन्निफ की इजाज़त के बगैर आप इसको खुद कहीं नशर नहीं कर सकते हैं, यानी इसकी तबो इशात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आपको पहले इजाज़त लेनी होगी। तो चलिए, ये तो तबात के सिलसिले में है। यहाँ से हमें जो काम करना है वो करने वाली चीज़ ये है कि हमें यहाँ जो है सेंटर पे ही कर्सर को रखना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हम पहले सारी चीज़ें लिख लेंगे, मसलन नाम किताब, ठीक है, एक तफसीलिया दे दीजिए, इसको तफसीलिया कहते हैं, या फिर सेमी कॉलन कहते हैं अंग्रेजी में, और एक स्पेस दीजिए, और यहाँ से किताब का नाम मसलन हम लिख लेते हैं गुब्बारे खातिर, है ना, गुब्बारे खातिर, ठीक है, ये हमने लिख लिया, यहाँ से एंटर कीजिए, फिर नीचे लिख लीजिए
मसलन मैं लिख लेता हूँ मुसन्निफ, ठीक है, एक एंटर, और यहाँ से लिख लेते हैं हम मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह। आपको छोटा सा ऊपर लगाना है तो शिफ्ट और टी प्रेस कीजिए, आफ्ताब कीबोर्ड अगर यूज कर रहे हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंटर कीजिए और फिर यहाँ से लिख लीजिए, मसलन लिख लेता हूँ मैं नाशिर, है ना, यहाँ से तफसीलिया, एंटर कीजिए और यहाँ से हम लिख लेते हैं मकतबा। अब यहाँ हा के ऊपर अगर हमें हमजा लगाना हो तो शिफ्ट के साथ ऊपर में जो 7 होता है उसे प्रेस करेंगे तो इस तरह लग जाएगा, ठीक है। 7 यानी 7 नंबर जो बटन होता है अल्फाबेट कीज के ऊपर, उसे हम प्रेस करेंगे तो ऐसे लग जाएगा, ठीक है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पे एक कॉमा, और यहाँ से लिख लीजिए जो भी आपको लिखना हो, ठीक है, मकतबे का नाम। फिर यहाँ से मसलन हम लिख लेते हैं सिन्ने इशाअत, ठीक है, सिन्ने इशाअत लिख लेते हैं, यहाँ से एक तफसीलिया और यहाँ पर एक स्पेस। अब यहाँ पे हमें तारीख लिखनी है तो हम अल्फाबेट कीज के ऊपर जो न्यूमेरिकल कीज होती हैं या कैरेक्टर कीज आप कह लीजिए, है ना, तो यहाँ पे आप उल्टा लिखना है आपको। मतलब ये हुआ कि अगर 27 आपको लिखना है तो पहले 7 लिखेंगे उसके बाद 2 लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मसलन 2005 हमें लिखना है, तो 2005 अगर हमें लिखना है तो सबसे पहले हमें लिखना होगा 5, ठीक है, उसके बाद फिर हम लिखेंगे 20, और उसके बाद लिखेंगे 2, ठीक है। उसके बाद हमजा लिखना है तो ये तफसीलिया में ही है, यानी सेमी कॉलन वाले बटन में हमजा है आपका, जिनको कीबोर्ड याद होगा उन्हें तो पता ही होगा। यहाँ पे आप हमजा बगैर शिफ्ट के प्रेस कर लीजिए, और इसके नीचे अगर सिन वाले निशान लानी है तो शिफ्ट और वाई प्रेस कीजिए, ये आ जाएगा आपका इस तरह, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, उसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कीमत, और यहाँ पे एंटर, और यहाँ से 350 अगर हमें लिखना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 5, फिर 0, और 350 लिखना है ना, तो पहले हम 0, फिर 5, उसके बाद 3, ठीक है, 350 रुपये, ये हमने लिख लिए। अब जो हमें करने का काम है वो देखना है, हमें सबसे ऊपर वाले में आ जाना है यहाँ पे, है ना, यानी जहां से भी आपका शुरू हो नाम किताब, इससे पहले भी कुछ है तो आप वहां पे आ जाइए। यहाँ पे कर्सर रखिए और कीबोर्ड से कोई भी हर्फ आप लिख लिए, ठीक है। मसलन मैं लिख लेता हूँ अलीफ, नहीं मैं लिख लेता हूँ बा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इधर हो चुका है, मैं जरा राइट की से एक मतलब इधर आ जाता हूँ, है ना, और यहाँ पे लिख लेता हूँ बा, ये लिख लिया। उसके बाद अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो दे लीजिए, और नहीं देना चाहते हैं तो बैक आ जाइए और सिर्फ बा को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। सिर्फ बा को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम टी बटन प्रेस करते हैं, और फिर ये ट्रेड अरबिक फॉन्ट चूज कर लेंगे। ट्रेड अरबिक बोल्ड नहीं चूज करेंगे, ट्रेड अरबिक फॉन्ट चूज करेंगे, क्योंकि ट्रेड अरबिक बोल्ड में उमूमन अरबी लिखी जाती है, अरबी की इबारत, ठीक है। तो हम यहाँ से ट्रेड अरबिक चूज कर लेंगे, ये हमने ले लिया ट्रेड अरबिक। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करना है और उसके साथ साथ सी बटन, यानी अल्फाबेट कीज में जो सी बटन होता है ए बी सी वाले, उसी सी को शिफ्ट के साथ प्रेस करना है, एक लकीर की तरह ये बन जाएगी। जैसे देखिए हमें यहाँ से प्रेस करता हूँ शिफ्ट और सी, ये देखिए इस तरह बन चुका है हमारा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से इस तरह सिर्फ इस लकीर को ले लीजिए, है ना, इस लकीर को पकड़ लीजिए और यहाँ कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए, और यहाँ पे आइए और कंट्रोल वी से पेस्ट, इसी तरह यहाँ पे आइए और कंट्रोल वी से पेस्ट, है ना, फिर यहाँ पे आइए कंट्रोल वी से पेस्ट, यहाँ पे आइए और कंट्रोल वी से पेस्ट, ये तो हमने कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पे कर्सर रखिए और एंटर बटन प्रेस कीजिए, ये सब ऊपर नीचे साथ साथ होंगे, ठीक है, देख रहे हैं आप। अगर हम अलग से यहाँ से लाइन टूल के जरिए कोई लाइन लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, मसलन यहाँ पे लगा देते हैं, या फिर चलिए इसे हम नीचे ले आते हैं, है ना, इसे हम मसलन यहाँ पे ले आते हैं, इस लाइन टूल को यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। और अब देखिए हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो वो लाइन वहीं पे रह जाएगी, ठीक है, अवलन तो वो गायब ही हो गई है, लेकिन अगर मैं देखिए यहाँ पे इसे मैं ले आया और यहाँ से एरो टूल पे करूंगा तो देखिए वहीं पे है, ठीक है, हैंड टूल पे करेंगे तो वो लाइन गायब हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो इसलिए हम इस लाइन का यूज नहीं करते हैं, हम इस तरह यूज करते हैं। अब हमें एक चीज और करना है, वो ये है कि हमें इधर से और इधर से बराबर चाहिए, तो उसके लिए हम ले लेंगे गाइडलाइन, ठीक है, और गाइडलाइन को लाके यहाँ पे रख लेंगे, यानी जो सबसे
लंबा जुमला होगा या लफ्ज होगा वो आप समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आजाद जो लिखा हुआ है यही सबसे बड़ा है इधर में, तो हम यहाँ पे एक गाइडलाइन ले लेते हैं और इसी के बराबर सबको कर देंगे। यहाँ पे कर्सर रखेंगे और अंदाजे से, क्योंकि आप हैंड टूल में इसको लाइएगा तो ये आपका गायब हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अंदाजे से शिफ्ट सी प्रेस कीजिए, शिफ्ट सी, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक मैंने कर दिया है, एक मरतबा बैक स्पेस, और फिर इसे भी अंदाजे से करेंगे, शिफ्ट सी, यहाँ बीच में रखिए कहीं पे भी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे और शिफ्ट सी करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे और शिफ्ट सी करेंगे अंदाजे से। उसके बाद आखिर में हम गाइडलाइन के जरिए चेक भी कर लेंगे कि हमारा बराबर है या नहीं। अब हैंड टूल पे आइए और यहाँ पे देखिए ये सब के सब बराबर हैं, सिर्फ ऊपर वाले में जरा से और हमें शिफ्ट सी की जरूरत है, कम से कम 2 या 3 मरतबा। तो शिफ्ट सी 1 2 2 मरतबा ही मेरे ख्याल से काफी होगा। यहाँ से आते हैं, ये देखिए बिल्कुल बराबर हो चुका है हमारा, और जब इधर से बराबर हो चुका है तो इधर से भी बराबर होगा। मैं दिखा देता हूँ एक और खींचकर, यहाँ से देखिए ये बिल्कुल बराबर है हमारा दोनों तरफ से। तो इस तरह खुद ब खुद एक तरफ आप बराबर कीजिएगा तो दूसरी तरफ बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने बना लिया है ना। अब यहाँ पे आते हैं, इसे जरा जूम आउट कर लेते हैं, यहाँ से बैक स्पेस, क्योंकि नीचे हमारा कुछ कुछ बना हुआ था। अब हम इसे डिलीट करते हैं, पहले मैं इसलिए रहने दे रहा हूँ कुछ कुछ ताकि आप लोगों को दिखाने में आसानी हो, है ना। यहाँ पे आते हैं हम, कर्सर रखते हैं, कंट्रोल आल्ट सी से बीच में करते हैं और यहाँ से कर लेते हैं बड़ा, ठीक है, जूम। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं फेहरिस्त, तो फेहरिस्त हम 30 साइज में लिखेंगे क्योंकि ये एक उनवान की तरह है। तो यहाँ से पहले हम इसके साइज कर लेते हैं 30, है ना, 30 एंटर कर दिए। अगर आप चाहते हैं लाइन स्पेसिंग वगैरह करना है तो यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, 38 कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम सीधा यहीं पे सेलेक्ट है, फॉर्मेट में आ जाएंगे और यहाँ पे हमें बॉर्डर की जरूरत पड़ेगी। बिलो यानी नीचे हम बॉर्डर लगाएंगे, यहाँ पे आ जाते हैं स्टाइल में और यहाँ से हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं बॉर्डर, मसलन यही या फिर ये वाले, चलिए ये वाली कर लेते हैं और यहाँ से कर देते हैं 2 साइज, ठीक है। और यहाँ से कर लेते हैं ओके, फिर यहाँ से कर लेते हैं ओके। देखिए हमारा ये लग चुका है, ठीक है, एंटर कीजिए, नीचे आइए। अब हमारा जो यूज होने वाला है वो टैब टैब ऑप्शन यूज होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम इसको कर्सर को राइट में लेके जाना है हमें। देखिए हम राइट में ले आए हैं, ठीक है। इस तरह हमारा हो गया है इस वजह से कि यहाँ पे हमने अभी बॉर्डर लगाया था, लेकिन बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है, ये सिर्फ नजर आ रहा है। यहाँ पे वापस आके आपको देखना है तो देख लीजिए। चलिए यहाँ से हम डन करते हैं और यहाँ से भी ओके करते हैं, ये हट चुका है हमारा, है ना। अगर ऐसा है तो एक मरतबा फॉर्मेट में जाके देख लीजिए, वो बॉर्डर अप्लाई है नहीं है। अगर अप्लाई होगा तो यहाँ पे नन के बजाय कुछ और लिख रहा होगा, है ना, तो यहाँ से ओके कर लेते हैं। अब अगर देखना ये भी नजर आ रहा है, इससे कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन अगर ये नजर आ रहा है तो आप एक और फाइल खोल लीजिए और उस फाइल में या तो विंडो से आकर के यहाँ पे प्रेस करके इसमें आ जाइए, ठीक है, फिर वापस यहीं से इसमें आ जाइए, तो ये आपका खत्म हो गया है, ठीक है। या फिर कंट्रोल शिफ्ट टैब आप दबाइए तो फाइल आपकी तब्दील हो जाएगी खुद ब खुद। यहाँ से एंटर करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे बनाएंगे एक टैब, है ना, मतलब ये हुआ कि अभी हम टैब बटन प्रेस कर रहे हैं एक मरतबा तो देखिए हमारा यहाँ आ रहा है, दूसरी दफा करेंगे तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पर असल में टैब बना हुआ है इस वजह से ये यूज हो रहा है ना। हम ये चीज बनाने के लिए ऐसा करते हैं, पहले इस टैब को खत्म करते हैं उसके बाद आप लोगों को समझाते हैं। असल में हमने उसी सफे पे मैं काम कर रहा हूँ इस वजह से ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो चलिए ये हमने टैब खत्म कर दिया है। अब देखिए टैब बटन आप प्रेस कीजिए तो ऐसे ऐसे प्रेस कर रहे हैं तो यहीं पे जा रहा है ना, ज्यादा दूर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं और एक टैब बनाते हैं। हम ये चाहेंगे कि जब हम पहला एक मरतबा टैब बटन दबाएं तो यहाँ पे आए हमारा कर्सर, और दूसरी मरतबा जब हम दबाएं तो यहाँ पे आ जाए, ठीक है, और उनके दरमियान एक लकीर भी खिंच जाए जैसा कि इसमें है। नीचे आते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे देखिए ये है, इस तरह हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं साइड में, फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ पे टैब में आएंगे, तो इस तरह एक पट्टी आपके सामने जाहिर होगी। अब यहाँ पे देखिए पट्टी के बीच में जब आप या फिर कहीं पे भी रखेंगे इस कर्सर को, तो कर्सर का जो है वो माउस पॉइंटर जो कह लीजिए वो इस तरह यानी एरो की शक्ल का बन जाता है, ठीक है, नीचे से जरा सा मुड़ा हुआ। तो आप पहले जहां पर चाहते हैं वहां पे क्लिक कर लीजिए, मसलन हम जब एक दफा टैब बटन प्रेस करें तो हमारा कर्सर जो है यहाँ पे आ जाए, और दूसरी दफा जब हम प्रेस करें टैब बटन तो यहाँ पे आ जाए, और इन दोनों के दरमियान लकीर भी चाहिए हमें, तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे जो लकीर वाली दिख रही है ये हम ऊपर वाले चूज कर लेंगे, ठीक है, सबसे ऊपर वाली लकीर,
ठीक है, यहां हमने चूज कर लिया। आप फॉर्मेट में आइए और टैब से आ जाइए बाहर। ठीक है, अब आप टैब बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। मसलन मैं लिख लेता हूँ मुकदमा। ठीक है, फिर टैब बटन प्रेस किया और यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, जैसे मैं लिख लेता हूँ आजाद। फिर एंटर किया, टैब बटन प्रेस किया, तो यहाँ पे असल में खुद बखुद ये बन जा रहा है। अभी इसमें भी कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन ये खुद बखुद बन रहा है। लेकिन ये हो सकता है आप लोगों को समझने में दुश्वारी हो, तो हम इसे फिलहाल हटा देते हैं। इस तरह भी कोई दिक्कत ना हो, जब आप सीख जाएं तब बना सकते हैं, लेकिन हम इसे हटाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चलिए हम इसे रहने देते हैं। इसी तरह हम एक नया सफा इंसर्ट कर लेते हैं और उसमें टैब को हम यूज करके दिखाते हैं, ताकि आप लोगों को बात और अच्छे से समझ में आए। तो यहीं पे हम रहने देते हैं इसे, और फॉर्मेट में आते हैं और यहाँ पे आते हैं हम टैब ऑप्शन पे, और यहाँ पे हम पहला टैब दबाएं तो यहाँ पे आए, और दूसरा दबाएं हम तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे आ जाए। ठीक है, और यहां से हम कर लेंगे लकीर चूज, फिर फॉर्मेट में आएंगे और इस टैब को कर देंगे बंद। अब टैब बटन हम दबाते हैं तो देखिए इस तरह आया। अब यहां से आप लिख लीजिए, मसलन हम लिख लेते हैं मुकदमा। ठीक है, और यहां से टैब बटन प्रेस कीजिए, देखिए इस तरह की लकीर बन गई। अब यहां से आप लिख लीजिए मुकदमा, जिसने लिखा हो। मसलन मैं अंदाजे से कोई नाम दे दे रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं यही नाम हो। फिर एंटर कीजिए, फिर टैब बटन एक मरतबा प्रेस कीजिए, यहीं पे आइएगा, और उसके बाद यहाँ पे आप लिख लीजिए मसलन मैं लिख लेता हूँ बी बाचा। ठीक है, फिर टैब बटन और यहाँ से लिख लीजिए मसलन मौलाना आजाद, है ना। उसके बाद एंटर कीजिए, फिर टैब बटन प्रेस कीजिए और यहाँ से कुछ और मसलन हम लिख लेते हैं सच नंबर एक, और फिर टैब बटन और यहाँ से कोई तारीख डाल देते हैं। मसलन डाल देते हैं हम 3 अगस्त, है ना, 2006। अब 2006 हमें लिखना है तो क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे 6, फिर 00, उसके बाद फिर 2, है ना। ये अल्फाबेट कीज के ऊपर जो 1 2 3 0 तक होता है ऑप्शन आपका, उसे यूज करना है। साइड में जो न्यूमेरिकल पैड मिलता है आपको, उसे यूज नहीं करना है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है। यहां से ईस्वी और शिफ्ट और वाई से इसके नीचे सिन वाला निशान हम लगा देते हैं। यहां से एंटर, यहाँ से टैब, और यहाँ से फिर हम लिख लेते हैं मसलन सच, है ना। यहाँ से डैश दीजिए और यहाँ से 2, यहाँ से टैब, है ना, और यहाँ भी कुछ तारीख डाल देते हैं मसलन 4 अक्टूबर, है ना, और यहाँ से 2012। अब हमें 2012 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो पहले हम ऐसा करते हैं कि लिख लेते हैं 2 फिर 1, है ना, उसके बाद फिर 0, उसके बाद फिर 2। 2012 ईस्वी लगाना है आपको, तो यहाँ पे हमजा और शिफ्ट के साथ वाई। ठीक है, फिर एंटर कीजिए और फिर आप कुछ लिख सकते हैं। तो इस तरह देखिए आप लिख सकते हैं, ये कहने का मतलब था। अभी इसका साइज 12 है, तो आप सबको बड़ा कर लीजिए, सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आइए और साइज कर लीजिए 17 और एंटर। इनके दरमियान अगर आपको फासला ज्यादा लग रहा है तो यहाँ से आकर के कम भी कर सकते हैं। जैसे 17 यहाँ पे हमने किया, तो यहाँ पे हम कितना कर देंगे मसलन 25 और एंटर, तो देखिए ये भी कम भी हो गया, लेकिन यहाँ पे करने की कोई खास जरूरत है नहीं। तो इस तरह आप काम कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं। ये देख लिया आपने कैसे बना, है ना। तो चलिए यहाँ पे एंटर करके देखिए, थोड़ा नीचे भी हम ले आए। अब हमें कुछ और बनाना है यहाँ पे। मसलन ये हुआ कि हमें यहाँ मुकदमा लिखा हमने, यानी मजमून के साथ मुसन्निफ का नाम भी हो और पेज नंबर भी हो, सफ़ा नंबर भी हो, तो 3 दफा भी हम टैब बना सकते हैं। पहले हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ टैब पे क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए अभी टैब ये बना हुआ है। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए, टैब खत्म करने के लिए ये जो निशान बन रहा है, यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन से दबाए रखिए और इसको नीचे ला करके छोड़ दीजिए। माउस के लेफ्ट बटन दबाए रखिए और नीचे ला के छोड़ दीजिए, और यहाँ से जाइए और टैब खत्म कर दीजिए, एंटर कीजिए। अब देखिए टैब बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह हमारा आगे जाएगा। ठीक है, फिर से आते हैं और हम एक नया टैब बनाते हैं। यहाँ पे आएंगे, टैब पे क्लिक, और 3 दफा हमें चाहिए, है ना। तो पहला हम चाहते हैं यहाँ पे आए, और दूसरा हम चाहते हैं कि यहाँ पे आए, है ना। उसके बाद फिर हम जब दूसरे में ये लगाएंगे तो यहाँ पे हम मसलन ये क्लिक कर देते हैं, दूसरा अबर ले लेते हैं दूसरी लाइन, और तीसरा यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे भी हम यही क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये हो चुका हमारा। अब फॉर्मेट आएंगे और यहाँ से टैब से बाहर, टैब बटन प्रेस किया एक दफा। अब यहाँ से लिख लेते हैं मसलन, हम यहाँ पे लिख लेते हैं
यही चीज लिख लेते हैं, बदल के लिखने की जरूरत तो है नहीं, है ना, क्योंकि हमें सिर्फ दिखाना है। अब टैब बटन प्रेस कीजिए, देखिए यहाँ पे आया ये, ठीक है। अब यहाँ से लिख लीजिए, मसलन हम लिख लेते हैं, फिर टैब बटन प्रेस कीजिए और सफ़ा नंबर डाल दीजिए, मसलन हम डाल देते हैं सफ़ा नंबर 2, फिर एंटर, फिर टैब बटन, यहाँ से लिख लीजिए तिबाचा, फिर टैब, यहाँ से लिख लीजिए मौलाना आजाद, फिर टैब बटन और यहाँ से सफ़ा नंबर मसलन 5, है ना, फिर एंटर, यहाँ से टैब, और यहाँ पे आप लिख लीजिए मसलन खत, और खत नंबर 1, यहाँ से टैब बटन, यहाँ से भी मौलाना आजाद लिखिए, है ना, यहाँ से मौलाना आजाद, मौलाना आजाद, यहाँ से टैब, और यहाँ से सफ़ा नंबर डाल लीजिए मसलन 8, फिर एंटर, फिर टैब बटन प्रेस कीजिए, और यहाँ से हम लिख लेते हैं खत नंबर 3, है ना, और यहाँ से टैब बटन, और फिर यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे मौलाना आजाद, ओ भाई मौलाना आजाद, ठीक है। फिर टैब बटन प्रेस किया और यहाँ से सफा नंबर मसलन हम डाल लेते हैं 15। जब हमें 15 लिखना है तो क्या करेंगे, पहले 5 फिर 1, है ना, उर्दू में ऐसे ही होता है, इस तरह आपको लिखना पड़ेगा। तो देखा आपने ये कैसे बना लिया हमने, ठीक है। तो इस तरह आप भी बना सकते हैं, इसके साइज हम कर लेते हैं जरा 17 यहाँ से, और एंटर, ठीक है। आपको यहाँ से चाहिए ये स्पेसिंग तो ठीक है, नहीं चाहिए तो भी कोई हर्ज की बात नहीं। अब देखिए दोनों लाइन में जरा सा डिफरेंस है ना, यानी दोनों लाइन मुख्तलिफ है, चूंकि हमने यहाँ से लाइन मुख्तलिफ चूज किया था नीचे वाले में और ऊपर वाले में। तो इस तरह आप टैब बटन का यूज कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। टैब खत्म करना हो तो कैसे करेंगे, तो आप लोगों को बता ही दिया है, मसलन यहाँ पे कर्सर रखते हैं, है ना, एंटर करते हैं। अब अगर आप टैब बटन प्रेस कीजिएगा तो यही अप्लाई होगा, देखिए ये हो रहा है ना, लेकिन हमें चाहिए कि खत्म हो जाए टैब। तो फॉर्मेट में आएंगे और टैब पे ही क्लिक करेंगे और इसको पकड़ करके नीचे ऐसे ले आएंगे, यहाँ से भी पकड़ करके नीचे ले आएंगे, और फिर फॉर्मेट में जाके टैब। अब देखिए आप टैब बटन प्रेस कीजिए, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। लेकिन आपको ये रखना है, जब भी टैब बनाए तो ये कर्सर आपका बिल्कुल आखिर में, उधर दाहिने तरफ, ऐसा ना हो कि कर्सर यहाँ पे हो, ठीक है, कर्सर यहाँ पे हो आखिर में। चलिए ये तो हमने बना लिया, इसकी तस्वीर में बनाया हुआ था इसलिए बनाता नहीं हूँ अलग से, यहाँ पे देखिए ये हमने ये तस्वीर बनाई हुई थी, ठीक है। चलिए इसमें अगर हमें कुछ इजाफी काम करना हो, इसे तो हम ख़त्म करते हैं, सेव नहीं करनी भाई से, और यहाँ पे हम इसे हटाते हैं, इसे भी नो सेव, यहाँ से आकर के फिर हम इसी फाइल को खोलते हैं, चूंकि हमारे पास सेव है, ये इस तरह हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। हम अब चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ लग जावे, मसलन कुछ लग जावे का मतलब ये है कि बॉर्डर वॉर्डर कुछ लगा लेते हैं हम, ठीक है, या फिर चलिए लाइन दे देते हैं ऊपर में। सिर्फ हमें अगर एक पेज में चाहिए तो यहाँ से लाइन उठाएंगे और यहाँ से हम दे लेते हैं मसलन इस तरह लाइन, सिर्फ एक पेज में अगर चाहिए तो, और तमाम सफात में अगर चाहिए हमें तो मास्टर पेज से काम करते हैं, इसकी वीडियो अलग बनी हुई है बाज़ाब्ता, है ना, उस वीडियो में होगी, हो सकता है कि अलग से बनी हुई है, इन पेज में सफ़ा नंबर कैसे इंसर्ट करें या पेज नंबर कैसे लाएं, तो जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेंगे। ये हमने लाइन बना लिया और यहाँ से कर लेंगे हम मसलन ये वाला लाइन, और यहाँ से दो से ज़्यादा नहीं रखेंगे, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसी लाइन को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से और कंट्रोल वी से यहीं पे पेस्ट, और एंटर से यहीं पे एंटर कर देंगे, और डाउन एरो से पकड़ करके इसे ले आएंगे हम नीचे, ठीक है। और नीचे लाने के बाद पहले हम इसको करेंगे सबसे ऊपर वाले में, है ना, यानी सिंपल वाले में, और यहाँ से करेंगे 1, उसके बाद एंटर, और उसके बाद इसको पकड़िए, है ना, और कंट्रोल के साथ एरो के जरिए आप इसे ले आइए इस लकीर पे नीचे, ठीक है। ये तो मैंने कर लिया, अब यहाँ पे ऊपर में आते हैं और अब हम बनाएंगे टाइटल बॉक्स, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे एक हम बना लेते हैं, यहाँ तक एकदम लकीर तक आपको बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मसलन किताब का नाम, ठीक है, गुब्बारे खातिर, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसे कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं और इसके साइज हम 17 करते हैं, चूंकि हमने 17 ही में काम किया, मैटर हमारा 17 है, और यहाँ से लाइन स्पेसिंग कर देंगे 25, यहाँ से एंटर, ठीक है, और
ये राइट में ही अलाइनमेंट इसके राइट में है, तो इसे सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल के साथ अप एरो के जरिए इसे हम जरा ऊपर ले आते हैं, ठीक है, मसलन इतना ले आते हैं। चलिए इसी को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी और कंट्रोल भी से, और एंटर, और लेफ्ट एरो से यहां पर ले आएंगे इसको पकड़ करके इधर इस तरफ। अब ये देखिए जरा बाहर निकल गया, तो कंट्रोल के साथ राइट एरो के जरिए इसको ले आइए बिल्कुल यहाँ पे, और यहाँ से हैंड टूल पे क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से लिख लीजिए मसलन मुसन्निफ का नाम मौलाना, ये जो है ना गड़बड़ हो रहा है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, रहमतुल्ला लगाना है शिफ्ट के साथ टी। अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हमने, ये देखिए हमारा 17 साइज है और 25 है ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने इसी बॉक्स को कॉपी कर दिया था इधर, ये हमारा फायदा हुआ। दूसरी बात है कि ऊपर से भी इतने ही फासले पर है ये, इन दोनों के दरमियान यहाँ भी उतने ही फासले पर है। सिर्फ एक काम हमें यहाँ पे करना है, इसे सेलेक्ट करके लेफ्ट में कर देना है, ठीक है, ताकि हमारा बिल्कुल इधर सट जाए। ये हो गया। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इस पेज पे सेलेक्ट करेंगे, पेज पे हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक नोट्स दिख रहा होगा बिल्कुल बारीक सा, नहीं नजर आ रहा है तो इसे सेलेक्ट कीजिए आप इस लाइन को, है ना, और इसे एक मरतबा डाउन एरो से ले आइए नीचे। अब पेज सेलेक्ट कीजिए तो यहाँ पे देखिए एक नोट्स नजर आ रहा होगा, यहाँ पे नोट्स नजर आ रहा है, यहाँ पे आइए और यहाँ पे एक गाइडलाइन ले लीजिए और इसको वापस कर दीजिए ऊपर एक मरतबा एरो टूल से, ठीक है, यहाँ पे बीच में आ गया। अब यहाँ पे आइए, ठीक है, और कंट्रोल सी कंट्रोल डी एंटर, और इधर से राइट एरो के जरिए इसको हम ले आते हैं यहाँ पे बीच में, ठीक है, यहाँ पे आ गए और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से पहले करते हैं हम सेंटर में, और उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से बैक स्पेस, ठीक है, और रहमतुल्ला अलैह ये हमारा रह गया है, तो या फिर चलिए हम इस बॉक्स को करते हैं डिलीट, ठीक है, इसे कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल भी एंटर और लेफ्ट एरो के जरिए हम लाते हैं यहाँ पे बीच में, है ना, और इसे करते हैं सेलेक्ट और इसे करते हैं डिलीट, और यहां से आ जाते हैं सेंटर में, और यहां से आएंगे हम इंसर्ट में, और यहां से करेंगे पेज नंबर एक डालेंगे, देखिए वन, ये वन हमारा इसलिए आया है क्योंकि अभी एक ही पेज है हमारे पास, ये खुद ब खुद आ गया। अगर मास्टर पेज पे हम काम करेंगे यहाँ, तो यहाँ पे एक हैज का निशान बन जाएगा और जितने भी सफहत हो वो खुद ब खुद ये लगा देगा। अब देखिए जरा सा इधर उधर है, बाएं है, दाहिनी तरफ है, बीच में नहीं है, तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो के जरिए इसको बिल्कुल बीच में ले आइए, ये बीच में आ चुका है, तो अब इस गाइडलाइन को पकड़िए और इसे कर दीजिए खत्म। ये जो बॉक्स अभी बना हुआ है ये आपका प्रिंट में आएगा नहीं, अगर आप चाहते हैं ये बॉक्स आए तो इस पे क्लिक कीजिए इस बॉक्स पे, और यहां से आप दे दीजिए कुछ बॉर्डर वगैरह मसलन ये दे दीजिए, तो ये आपका फिर प्रिंट में आएगा, लेकिन हमें इसकी जरूरत है नहीं, तो हम इसको कर देते हैं डन, ठीक है, और इसकी बना लेते हैं एक पीडीएफ, ये पूरा काम हो चुका है, अब इसकी बना लेते हैं हम एक पीडीएफ, मसलन यहाँ पे आते हैं और प्रिंट में आएंगे, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ एडवांस में, और यहाँ A4 सेलेक्ट है हमारा तो ठीक है, यहाँ से ओके, यहाँ से ओके, फिर यहाँ से ओके, है ना, और यहाँ से हम डेस्कटॉप पे ही सेव करने वाले हैं, कोई नाम दे लेते हैं मसलन फहरिस्त 01 के नाम से हम इसे कर लेते हैं सेव। ये देखिए हमारी पीडीएफ तैयार होगी, कहाँ पे है फहरिस्त 01, देखिए यहाँ पे, ये देखिए कितनी शानदार पीडीएफ तैयार है, नीचे से भी ये लगा हुआ है हमारा, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे फहरिस्त है, यहाँ पे जुमला हुकूक महफूज है, ये बना हुआ है, ठीक है, इन सब के मुकाबले में ये जो डॉट डॉट नजर आ रहा है, ये जो इन सब के मुकाबले में ये जो लाइन है ये आजकल ज्यादा मार्केट में चल रही है, ठीक है, यानी ये स्टाइल ज्यादा आजकल प्रसिद्ध है ये समझ लीजिए मार्केट में, ठीक है, तो चलिए हम रहने देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टैब कमांड हो चुका है मुकम्मल, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।